फ्रेंड्स अभी अभी जो हम लोग स्क्रीन पे वीडियो देखे हम लोग ये वाला वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे एक VPN, ठीक है। VPN ऐप कोई भी VPN ऐप हो, तो मैं यहाँ से टर्बो VPN डाउनलोड कर लिया हूँ, उसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐड आएगा तो हम इस तरह से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद फिर से हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, आगे चलेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, कनेक्टेड लिखा जाएगा, तो हम लोग इसे बैक कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद हम लोग कैपकट एप्लीकेशन इस तरह से ओपन करेंगे। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम लोग चलेंगे न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ से एक वीडियो ले लेंगे कुछ इस तरह से। वीडियो लेने के बाद हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो भी हम लोग का एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम लोग डिलीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं कुछ इतना रखना चाहता हूँ, ठीक है, इतना ही रखना चाहता हूँ। आगे वाला पार्ट हम लोग डिलीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फालतू पार्ट है तो हम लोग इसी तरह से डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने फिर हम लोग लास्ट वाले वाला पार्ट भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। जो कैपकट लिखा हुआ है इस वाला डिवे डिलीट कर लूँगा। डिलीट करने बाद फिर से हम लोग वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करने हम लोग यहाँ से चले जाएंगे स्पीड वे, ठीक है। यहाँ स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड वे, स्पीड वे जाने का फिर से हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह से 5x 4x कर लूँगा। तो मैं 4x कर लेता हूँ। 4x करने के बाद फिर से नीचे डन कर दूंगा, और डन करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग को वीडियो स्लो हो जाएगा, ठीक है। और स्लो होने के बाद अब हम लोग हल्का बैक करेंगे, और बैक करने के बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा ऐड सॉरी उभरले का, तो हम लोग सिंपली उभरले पे क्लिक करूँगा। उभरले पे क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे ऐड उभरले में। ऐड उभरले में जाने के बाद मैं यहाँ से एक मटेरियल लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं भी जो भी मटेरियल मैं यूज करूँगा मैं सारे मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे अब जो है ग्रीन वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो क्रोमा की, तो क्रोमा की पे क्लिक करेंगे। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से हरा पे रख देंगे। हरा पे रखने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे इस नील्टी में, ठीक है। इस पर जाने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग 70 तक रख लेंगे, ठीक है। 70-71 जो भी आपको रखने का मन हो, जितना तक एडजस्ट हो तो उतना रख लीजिएगा। फिर से यहाँ से डन कर दीजिएगा, और डन करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे जूम करके हटा के, जितना आप लोग को अच्छा लगे उतना, ठीक है। मैं तो कुछ इतना रख लूँगा। इतना रखने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है नीचे वाला हम लोग उससे डिलीट कर लूँगा। तो हम लोग इस पर यहाँ से एडजस्ट करके मिला कर कुछ इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट करने के बाद हम लोग ये वाला पार्ट डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद फिर से हम लोग ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से कर देंगे कॉपी। स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। सिंपली हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए उभरले का ऑप्शन देगा। तो हम लोग सिंपली उभरले पे क्लिक कर देंगे। उभरले पे क्लिक करने के बाद इसको हम लोग पकड़ कर कुछ इस तरह से नीचे कर लेंगे। नीचे करने का फिर से हम लोग फर्स्ट कर यानी हम लोग रख लेंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से रखने के बाद फिर से हम लोग नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें। नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करने वाले फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिमूव बैकग्राउंड। तो हम लोग सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से, तो रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा। तो आप लोग नेट इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखिएगा तो ये रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरह से देख लीजिए हो गया। अब हम लोग इसमें जाएंगे, देखिए ऐड ओवरले वाला ऑप्शन में। ऐड ओवरले में जाएंगे। ऐड ओवरले में जाने के बाद फोटो में जाएंगे। फोटो में जाने के बाद हम लोग यहाँ से येलो वाला ये वाला ले लेंगे, फिर से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर से हम लोग कुछ इस तरह से डबल का सर इस तरह से जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसका भी लेयर रख लूँगा ऊपर वाला जितना, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से रखने के बाद फिर से हम लोग इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चल दूँगा स्पायरल से ना, तो हम लोग इस पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे ओवरले, ठीक है। ओवरले वाला सब पे क्लिक करूँगा, डन करूँगा। और डन करने के बाद हम लोग इसमें अब थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला वीडियो है, देख लीजिए जो हम लोग पंख के नीचे वाला वीडियो, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। कलर एडजस्टमेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ चल लेंगे ब्रैशनेट में, और कुछ इस तरह से इतना हम लोग इतना रखेंगे। कंट्रास्ट को भी हम लोग कुछ इस तरह से देख लेंगे, इतना रखूँगा। फिर हम लोग सैचुरेशन को भी कुछ इस तरह से घटा लेंगे। फिर से हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे ग्राफिक में। ग्राफिक में आने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग घटा लेंगे कुछ इतना, ठीक है। इतना करने का फिर से हम लोग को डन करेंगे। डन करने का फिर नीचे हम लोग डन करेंगे, और डन करने के बाद कुछ इस तरह फ्रेंड्स इतना होने के बाद हम लोग एक और टेम्पलेट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से चले जाएंगे ऐड ओवरले पे। ऐड ओवरले पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से एक और टेम्पलेट लगा लेंगे ए वाला, ठीक है, चिड़िया वाला।
तो हम लोग इस तरह से चिड़िया वाला भी ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ऐड करने के बाद फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस टेम्पलेट पे क्लिक करें। टेम्पलेट क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखो स्प्लिस, ठीक है, SPLIC हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से फिल्टर लगा लेंगे, देख लेंगे कौन वाला फिल्टर सेट कर रहा है जो, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से सारे में लगा कर देख लूँगा। तो देख लीजिए ए वाला जो है फिल्टर सेट कर रहा है, यहाँ से ले लेंगे डार्केन, जो है डार्केन वाला ले लेंगे और इस तरह से डन करेंगे। और डन करने के बाद देख लीजिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से जूम करके आप लोग जितना चाहते उतना इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ये पार्ट थोड़ा सा डिलीट कर लेंगे, कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे। यहाँ से स्प्लिट करने के बाद ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट हम लोग इस तरह से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग इसे अब सेव करेंगे, वीडियो एडिट हो चुका है, अब हम लोग इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन, हम लोग सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वीडियो सेव हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट होने के बाद देख लीजिए आप लोग को बताता हूँ क्या काम करना है। एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट होने के बाद ऊपर डन करूँगा। डन करने के बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से एक और वीडियो ले लेता हूँ, वीडियो वाला ऑप्शन में जाऊँगा और मैं ये भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट में आएंगे, सबसे पहले लास्ट में आने के बाद इसको हम लोग डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम लोग इसको देख लेंगे, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको आईडियो बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट आईडियो, तो हम लोग सिंपली एक्सट्रैक्ट आईडियो पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आईडियो हो जाएगा, ठीक है। आईडियो हो गया, आईडियो होने के बाद ऊपर वाला वीडियो को हम लोग साउंड बंद कर लेंगे। तो वीडियो पे क्लिक करूँगा, वीडियो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए म्यूटेड साउंड, तो हम लोग इस पर क्लिक करें म्यूट हो जाएगा। और म्यूट होने के बाद अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे कहाँ से फोटो आता है, कहाँ से ये देख लीजिए इतना, ठीक है। तो कुछ इतना पे हम लोग ऊपर वाला वीडियो स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करूँगा और ये वाला पार्ट हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिंग लिखा है, इस पर क्लिक, प्लस वाला आइकॉन देख लीजिए यहाँ पे ना, प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूँगा। प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ से मैं ले लेता हूँ वो वाला वीडियो जब भी अभी हम लोग एक्सपोर्ट किए बनाए हैं, ठीक है। तो वीडियो पे क्लिक करूँगा तो देख लीजिए ऊपर जो हम लोग ये वाला वीडियो बनाए थे ये वाला ऐड कर लूँगा। और ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो साउंड भी ज़्यादा होने लगता है, हम लोग साउंड भी कुछ इस तरह से डिलीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो हम लोग यहाँ से साउंड स्प्लिट कर लूँगा, ये वाला साउंड इधर वाला डिलीट कर लूँगा। और डिलीट करने के बाद हम लोग इसे अब सेव करूँगा। तो सेव करने के ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है, हम लोग सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मेरा वीडियो सेव हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।